हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर नेशनल न्यूज़ नामा टीवी के ब्यूरो चीफ और रोजनामा सनो लाहौर के डिप्टी एडिटर जॉन गिल पर भत्ता वसूल करने वालों का कातलाना हमला। कुल्हाड़ियों से लेस हमला आवरों ने वार कर दिया, जॉन गिल ने भाग कर हमला आवरों से जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जॉन गिल और विक्रम हरचंद सोमरों के मुश्तरका अरासी गाँव मोहम्मद बख्श हैदराबाद में है। अरासी पर काम करने लगे तो गाँव के भत्ताखोरों ब असर शख्सियात अशरफ बहराम, रफीक बहराम, गुलाम हैदर बहराम, इस्माइल बहराम, अल्लाह वसाय मला, असलम मला, अनवर मला और उनके साथ दीगर नामालूम अफराद ने जत्था बनाकर हमला कर दिया और कुल्हाड़ियों के वार करने के लिए तैयार हो गए, जिस पर जॉन गिल ने भाग कर अपनी जान बचाई। जॉन गिल ने मकामी पुलिस को दरख्वास्त दे दी है, जिसमें कहा गया है कि वो गांव मोहम्मद बख्श हैदराबाद में अपनी अराजी पर काम शुरू करवाने लगा तो उन भत्ताखोरों ने हमला कर दिया और कहा कि ये अराजी कब्रिस्तान की है, जबकि सरकारी कागजात मुकम्मल तौर पर हासिल किए जा चुके हैं और खरीदारी की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। ये भत्ताखोर सिर्फ अपने मफादात के लिए दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए हैं और ये डरा धमका कर लोगों से भत्ता वसूल करने के आदि मुजरिम हैं। जॉन गिल ने दरख्वास्त में कहा कि इन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। हैदराबाद की मसीही मजहबी तंजीमों ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कहा है कि आला हकाम जॉन गिल पर कातलाना हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए।